दोस्तों आजकल मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्मार्टफोन में, अपन 10 से 20 हज़ार के बीच में, लेकिन आज भी हम में से कई सारे लोग आईफोन ले लेते हैं, मतलब पुराने आईफोन, आईफोन 5, आईफोन ऐसी वगैरह, क्योंकि वो भी 10 से 20 हज़ार के बीच में ही मिलते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि क्या आपको वो पुराने आईफोन्स खरीदने चाहिए या फिर आपको एकदम लेटेस्ट मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स खरीदने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिल, आप देख रहे हैं टेक एमएस। तो चलिए दोस्तों बिना गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में इंडिया में एप्पल का ब्रांड नेम इतना बड़ा हो गया है कि अगर किसी इंसान के पास एप्पल का आईफोन है तो हमें लगता है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम में से आज काफ़ी सारे लोग, अगर हमारा बजट 10 से 20 हज़ार के बीच में है तो हम पुराना आईफोन 5 या आईफोन ऐसी वगैरह खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये हम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं मैं कहूँगा। बिकॉज आज हमारे पास आईफोन्स, जो पुराने आईफोन्स हैं आईफोन 5, आईफोन ऐसी वगैरह, उससे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड्रॉयड फोन्स के, एंड्रॉयड फोन्स में, जैसे रेडमी नोट 5 प्रो हो गया, Mi A1 वगैरह, ऐसे फ़ोन्स काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं और प्राइसिंग भी आईफोन 5 के आसपास की है, तो हमें वो खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आईफोन 5 और आईफोन ऐसी का सिर्फ 4 इंच का डिस्प्ले था, बहुत छोटा सा था, वो मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। जबकि आज के फ़ोन्स जो हैं उसके जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़े होते हैं, 6 इंच के हो गए हैं, मतलब हाँ। और जो पुराने आईफोन्स थे उसका जो एस्पेक्ट रेशियो था वो भी 16:9 का था, और आज के लेटेस्ट फ़ोन्स में तो आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो ही मिलेगा ज़्यादा करके, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा अच्छा है, पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है स्क्रीन, तो इन हैंड फील काफ़ी अच्छी हो जाती है, आप स्क्रीन को और लंबा कर सकते हो, जैसे 6 इंच तक के मिल जाते हैं हमको फ़ोन। तो ये भी मतलब स्क्रीन के मामले में तो डेफिनेटली एंड्रॉयड फ़ोन्स आगे है, बिकॉज बड़ा स्क्रीन है, अच्छा क्वालिटी का है, फिर पतला और लंबा है, तो काफ़ी अच्छा होता है यूज़ करने में। और दूसरी तरफ अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे क्योंकि जो आईफोन्स हैं आईफोन 5, आईफोन 8, या मैं कहूँ आईफोन 7 प्लस के पहले के जो भी फ़ोन्स हैं उन सब में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि आज के जो लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें आपको, फिर चाहे आप 14 हज़ार का 15 हज़ार का वो फ़ोन भी लो, तो आपको उसमें ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, बाद में टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। जबकि जो पुराने आईफोन्स थे उसमें तो आपको बस एक सिंगल कैमरा ही मिलता था, और फ्रंट कैमरे में भी जो आईफोन 5 है उसमें आपको 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि जो आज के लेटेस्ट फोन है जैसे रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल का मिलता है, फिर वीवो और ओप्पो के फोन जाने जाते हैं अपने सेल्फी कैमरा के लिए, तो वो मामले में भी आज के जो एंड्रॉइड फोन है वो ज्यादा आगे हैं आईफोन से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज की तो वहाँ पे भी जो एंड्रॉइड फोन है वो आगे हैं, जैसे जो आईफोन था आईफोन 5 या आईफोन SE उसमें आपको आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 32 GB तक की स्टोरेज मिलती है, और जबकि आज तो एंड्रॉइड फोन में आपको 64 GB तक की तो कॉमन हो गई है स्टोरेज, या मैं कहूँ 32 GB कॉमन है, 64 उसका एक नेक्स्ट लेवल है। और जो भी Mi 6X चाइना में लॉन्च हुआ, जब वो इंडिया में आएगा तो Mi A2 के नाम से आएगा, तो उसमें आपको 128 GB तक का भी एक वेरियंट मिल जाता है, तो मतलब स्टोरेज भी आज के जो नए फोन है उसमें बढ़ गई है, रैम भी बढ़ गई है। आईफोन 5 में आपको सिर्फ 1 GB की रैम मिलती थी, जबकि आज के जो एंड्रॉयड फोन है लेटेस्ट उसमें आपको 4 GB रैम, 6 GB रैम तक की आपको मिल जाती है रैम, तो वो एक्सपेक्ट में भी एंड्रॉयड फोन ज़्यादा आ गए हैं। जो मिड रेंज ब्रैकेट वाले एंड्रॉयड फोन है वो पुराने आईफोन से आगे हैं। तो और बैटरी लाइफ में भी जो आईफोन 5 था उसमें आई थिंक कुछ 1500 mAh तक की बैटरी थी, जबकि आज के फ़ोन में तो जैसे अभी ZenFone Max Pro लॉन्च होने वाला है 3 मई को, तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो मतलब बैटरी लाइफ भी जो आज के एंड्रॉइड फोन्स हैं मिड रेंज ब्रैकेट वाले उसकी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी होगी। इनफैक्ट मैं कहूँ जो आईफोन 5 है वो आई थिंक आपको 1 दिन तक की बैटरी लाइफ दे देगा, जबकि आज के जो एंड्रॉइड फोन है आपको 1.5 से 2 दिन तक की बैटरी लाइफ दे देंगे, तो वो एस्पेक्ट में भी जो एंड्रॉइड मिड रेंज फोन है वो आगे हैं। और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको जो आईफोन 5 से उसमें नहीं मिलता है, आईफोन ऐसे में है लेकिन आईफोन 5 में नहीं है। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में आज 7000 का भी फ़ोन लेते हो तो वहाँ पे भी आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो, और काफ़ी अच्छा काम भी करता है, तो वो भी एक एडवांटेज है एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने की। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप Mi A1 खरीद सकते हो या जो भी Mi A2 आने वाला है वो खरीद सकते हो, एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस है, तो आगे के 1 या 2 साल तो पक्का आपको उसमें एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने ही वाले हैं। जबकि जो आईफोन 5 है वो आई थिंक कुछ 4 से 5 साल पुराना है, तो मुझे नहीं लगता कि अब एप्पल उसको आगे अपडेट्स देगा, बिकॉज चलो अगर
एक साल का दे भी दिया iOS 12, तो iOS 13 तो आई डोंट थिंक कि देगा ही, बिकॉज अगर वो उसने iOS 13 भी दे दिया एप्पल ने, तो फिर फ़ोन हो सकता है एकदम स्लो हो जाए, हैंग होने लगे, बिकॉज फिर वो बहुत ही हैवी हो जाएगा। और iPhone 5 और iPhone SE के बस में नहीं है कि वो इतने हैवी जो अपडेट्स होंगे उनको हैंडल कर पाए, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि आईफोन अभी आगे देगा अपडेट्स अपने iPhone 5 और iPhone SE में। हाँ, एक साल तक का चलो समझते हैं, iOS 12 तक देगा, उसके बाद तो नहीं देगा शायद। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि जो iPhone 5 है वो और आज के जो मिड रेंज फ़ोन हैं वो बराबर रहेंगे, बिकॉज iPhone 5 एक टाइम का फ्लैगशिप फ़ोन रह चुका है, तो परफॉर्मेंस उतनी ख़राब तो नहीं होने वाली, लेकिन आज के एंड्रॉयड फ़ोन की परफॉर्मेंस भी इतनी ख़राब नहीं है, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बराबर होंगे। और लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो आई थिंक एक लेटेस्ट एंड्रॉयड मिड रेंज फ़ोन खरीदना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, या फिर अच्छी स्टोरेज भी चाहिए, और एक बड़ी स्क्रीन और अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो आज के मिड रेंज फ़ोन एंड्रॉयड वो खरीदिए। आप अपने पैसे जो पुराना iPhone 5 वगैरह थे उसमें वेस्ट मत कीजिए। और अगर दूसरी ओर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन चाहिए, एकदम छोटा सा और आप एक मुट्ठी में बंद कर सको उतना छोटा फ़ोन चाहिए, या फिर आप एक एप्पल के बहुत ही डाई हार्ड फैन हो, आपको आँख बंद करके बस एप्पल का ही फ़ोन लेना है, तो आप iPhone 5 या iPhone SE कंसिडर कर सकते हैं। वरना मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप iPhone 5 या iPhone SE आज की डेट में खरीदें, बिकॉज बहुत ही पुराने फ़ोन हो गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो iPhone 5 या iPhone SE है वो ख़राब फ़ोन निकाले थे एप्पल ने, वो फ़ोन जब निकले तब के लिए काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आज भाई आप देखो 4 से 5 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आज को भाई बहुत ही पुराने फ़ोन हो गए हैं, तो जो जब निकले थे तब के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि तब कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर का कॉमन नहीं था इतना, ड्यूअल कैमराज भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, स्टोरेज भी हमको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, बैटरी लाइफ भी चल जाती थी एक दिन तक, तो तब के टाइम के लिए काफ़ी अच्छे फ़ोन थे। लेकिन आज भाई चीज़ें बदल गई हैं स्मार्टफोन में, तो अगर आपको एक 10 से 20 हज़ार के बीच में फ़ोन ख़रीदना है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आईफोन खरीदो, बिकॉज वही पुराना फ़ोन है जैसे मैंने आपको कहा, और बस वो आप अगर कॉम्पैक्ट साइज़ वाला फ़ोन चाहते हो तो ही वो आप खरीदो, वरना आप एक मिड रेंज अच्छा वाला एंड्रॉयड फ़ोन ही खरीदो, जैसे Redmi Note 5 Pro हो गया या फिर Mi 1 वगैरह हो गया, आप वही खरीदो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अभी के भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी के भी कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी ऐसी टेक वीडियोज़ आने वाली है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, एक आईफोन या फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन। दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।